नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंस्टेंट हार्टिकल्चर की वेजिटेबल क्रॉप का आज हम 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस 8वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल्टिवेशन ऑफ कैप्सिकम और चिली। कैप्सिकम और चिली के बारे में पढ़ेंगे। कैप्सिकम एक मोटा वाला जो मिर्चा होता है, जिसे हम भरवा मिर्चा, जिसे अचार बनाते हैं मिर्च का, एक वो, और एक चिली जो तीखी वाली मिर्च होती है, जिसको हम सब्जी बनाने में, दाल बनाने में तीखापन के लिए यूज करते हैं। तो इन्हीं दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। दोनों की कल्टीवेशन लगभग सेम ही जैसी होती है, सेम ही होती है, इसी वजह से एक ही साथ पढ़ लेते हैं। केवल वैरायटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। ये जो कैप्सिकम होता है, ये सीजनल होता है, मतलब साल में एक बार ग्रो किया जाता है, जबकि ये चिली जो होता है वो हर सीजन में ग्रो किया जाता है, खरीफ हो चाहे रबी हो चाहे जायद हो। लेकिन ये जो कैप्सिकम है, ये साल भर में केवल एक बार ग्रो किया जाता है। इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है अचार बनाने के लिए, ठीक, इसका पिकल बनाने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये जो चिली होता है, इसका यूज हम करते हैं सब्जियों में, और जो हम खाना बनाते हैं, जो फूड मटेरियल अपने खाने के लिए बनाते हैं, उसको तीखा करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है चिली या कैप्सिकम का, वो है कैप्सिकम एनम। एक होता है कैप्सिकम फ्रूटेसेंस और एक होता है कैप्सिकम एनम। तो कैप्सिकम एनम ये होता है आपकी जो तीखी वाली मिर्च होती है। फिर इसके बाद इसकी जो फैमिली होती है, इसकी फैमिली भी सोलनेसी है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है पोटैटो, उसके बाद मैंने टोमेटो भी पढ़ा दिया है और ब्रिंजल पढ़ा दिया है। ये तीन क्रॉप हमने पढ़ा दी है और तीनों क्रॉप सोलनेसी की थी। आज हम चौथी क्रॉप पढ़ने वाले हैं सोलनेसी की, वो कौन सी है, कैप्सिकम एंड चिली। ये भी सोलनेसी फैमिली का ही है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है कैप्सिकम और चिली का, ये मैक्सिको है, ठीक, मैक्सिको अमेरिका के पास में है, वहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। चिली एंड कैप्सिकम बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज वेल एज सेम स्पेसीज, दैट इज कैप्सिकम एनम। जो कैप्सिकम है और चिली है, ये दोनों एक ही फैमिली और एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका बोटेनिकल नेम भी कैप्सिकम एनम ही है। बस इतना होता है, जो कैप्सिकम है इसके बोटेनिकल नेम में जो वेराइटी है, उसकी वेराइटी है फ्रूटेसेंस। अभी हम डिटेल में बताते हैं कि इनका वेराइटी में क्या डिफरेंस आए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे स्पेसीज हो गई, उसके बाद जीनस और स्पेसीज होती है, फिर आगे एक वैरायटी होती है, उसी से क्या डिफरेंस कर सकते हैं कि किसका बोटेनिकल नेम है। जो कैप्सिकम होता है, इसके अंदर एक पंजेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये तीखा तीखा लगता है। जो चिली या कैप्सिकम होता है, इसमें जो तीखेपन का कारण होता है वो होता है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन एक प्रकार का पंजेंट होता है, जिसकी वजह से जो चिली में पाया जाता है, और इसी की वजह से जो मिर्च होती है वो तीखी तीखी लगती है। कैप्सिकम एनम एंड कैप्सिकम फ्रूटेसेंस है वाइट फ्लावर। जो कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, ये जो फ्रूटेसेंस है ये कौन सा होता है, ध्यान से समझ लेना। फ्रूटेसेंस जो होता है, ये कैप्सिकम एनम जो है वो चिली का है, कैप्सिकम एनम जो है वो किसका है, चिली का है, जिसको हम बोलते हैं तीखी वाली मिर्च। और कैप्सिकम फ्रूटेसेंस जो है, ये आपका कैप्सिकम का है, किसका है, कैप्सिकम का है, जिसको हम बोलते हैं जो मोटी वाली मिर्च आती है, ठीक। अब शिमला मिर्च नहीं, ये मोटी वाली जो मिर्च आती है, और शायद में शिमला मिर्च भी है, इसमें एक स्किप हो रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा। तो इन दोनों का जो फ्रूट का फ्लावर होता है वो होता है वाइट फ्लावर होता है। व्हाइल कैप्सिकम प्यूबरेसेंस है पर्पल फ्लावर। जो कैप्सिकम प्यूबरेसेंस होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, पर्पल फ्लावर होता है। चाइना जो है वो कैप्सिकम का मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बेल पेपर, समझ पा रहे हो, जो बेल पेपर है, यानी कि कैप्सिकम, मेजर कैप्सिकम, जो बड़ा बड़ा कैप्सिकम होता है, इसका जो चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होता है। इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो चिली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी, यानी अगर पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड, ठीक। लॉन्ग ड्राई पीरियड आर लाइकली टू रिजल्ट इन फ्लावर शेडिंग एंड फ्रूटफॉल। अगर लॉन्ग ड्राई पीरियड है, यानी कि अगर बहुत लंबे समय तक सूखा मौसम रहेगा, पानी नहीं बरसेगा या ह्यूमिडिटी कम रहेगा एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लावर शेडिंग और फ्रूटफॉल होने लगेगा, यानी कि जो फ्लावर लग रहे हैं मिर्च में वो गिर जाएंगे, शेडिंग हो जाने की, फ्लावर भी गिरने लगेंगे, और उसके साथ साथ अगर जो फ्रूट है, इनिशियल स्टेज की फ्रूटिंग हो रही है, तो वो भी फ्रूट फॉलिंग भी होने लगती है। इसी वजह से ड्राई पीरियड काफ़ी नुकसानदेह माना जाता है।
जून टू अक्टूबर इज द मेजर चिली ग्रोइंग पीरियड इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया है वहाँ में जून से लेकर अक्टूबर तक चिली को मेनली ग्रो किया जाता है। जून से लेकर अक्टूबर तक आपको चिली जो मिलती है वो साउथ इंडिया में मिलती रहती है आराम से। ड्राई चिली जनरली कंटेंट, जो सूखी मिर्च होती है, जब मिर्च पक जाती है तो उसको हम सुखा लेते हैं, इससे मिर्च पाउडर बनाते हैं, चिली पाउडर, जो लाल लाल पाउडर होता है बिल्कुल तीखा तीखा, उसको हम बनाते हैं, जिसमें 6% तो स्टॉक होता है, ठीक। उसके बाद 40% पेरिकार्प होता है और 64% क्या होता है, सीड, 54% सीड होता है। जो मिर्च होती है सूखी मिर्च, उसमें अगर वेट की बात करें तो उसमें 6% वेट किसका होता है, स्टॉक का वेट होता है। स्टॉक वो जिसकी मदद से जो सीड होते हैं वो अटैच होते हैं। पेरिकार्प यानी कि ऊपर का जो छिलका होता है लाल लाल कलर का, वो 40% होता है और 54% सीड होता है। अगर हम वेट में बात करें तो इतना इतना परसेंटेज होता है, 6% स्टॉक होता है, 40% पेरिकार्प और 54% सीड होता है। उसके बाद है पेपरिका, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस वेराइटी, अर्का अवीर सुटेबल फॉर लॉन्ग कलर एक्सट्रैक्शन। जो पेपरिका वेराइटी है कैप्सिकम फ्रूटेसेंस की, ये अर्का अवीर जो वेराइटी है, ठीक, अर्का अवीर, अर्का अवीर किसके लिए है, कलर एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छी वेराइटी होती है। क्यों, अबीर, अबीर से पता चला, देखो अबीर और गुलाल आपने सुना होगा ना, अबीर और गुलाल होली में खेला जाता है, किससे, कलर, अबीर और गुलाल क्या होता है, एक कलर ही तो होता है, कलर का फॉर्म, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अर्का अबीर एक कैप्सिकम फ्रूटोसेंस की वेराइटी है जो कलर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है, जिससे हम कलर निकालते हैं, लाल कलर निकालने की यूज किया जाता है। 6 ग्राम गुड क्वालिटी सीड प्रोवाइड 100 प्लांट्स। जो सेवन ग्राम जो क्वालिटी सीड होता है, मतलब अगर 7 ग्राम हमें एक क्वालिटी सीड ले लें, अच्छा सीड, क्वालिटी सीड का मतलब अच्छा सीड, अगर हम 7 ग्राम ले लेते हैं कैप्सिकम का, तो हम 100 प्लांट उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे समझो कि 7 ग्राम सीड में 100 प्लांट तैयार हो जाते हैं आसानी से। चिली हैज बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम। जो चिली होता है इसका जो रूट सिस्टम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कुछ जो रूट होते हैं वो नीचे को ग्रो करेंगे और कुछ जो होते हैं वो अगल बगल को ग्रो करेंगे, देखना ध्यान से, इसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तो ये किस में पाया जाता है, चिली में पाया जाता है। देखो इसमें कुछ रूट जो हैं वो इधर को ग्रो कर रही हैं और कुछ रूट हैं जो सीधे नीचे को ग्रो कर रही हैं, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम। चिली इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का चिली बड़ा अच्छा सोर्स होता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होती है, विटामिन जो सी है, विटामिन बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो अगर आपको मिर्च से विटामिन सी अच्छी मात्रा में चाहिए तो आपको क्या करना है, जो खाना खाते समय मिर्च को सलाद के साथ खाइए, तो उससे आपको विटामिन सी ज़्यादा मिलेगा। क्यों, उसका कारण है, अगर आप सब्जी बना के खाएंगे तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो सब्जी में जो पानी डालते हैं उस पानी में मिक्स हो जाएगा, तो इस वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है पानी में मिल जाने की वजह से। लेकिन अगर आप हरी मिर्च को खाने में सलाद के समय खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। कैप्सिकम की कुछ वैरायटीज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहले है इंट्रोड्यूस वैरायटी, जिसको किसी दूसरे देश से मंगाया गया है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कौन कौन सी वैरायटी हैं। पहली वैरायटी है कैलिफोर्निया वंडर, नाम से पता चल रहा है कैलिफोर्निया से आया। उसके बाद है योलो वंडर, फिर वर्ल्ड बेटर, चाइनीज जाइंट, गोल्डन वंडर। तो ये कैलिफोर्निया वंडर और गोल्डन वंडर, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो इंट्रोड्यूस करी गई है, कैप्सिकम की वैरायटी है। उसके बाद स्वीट बनाना है, स्वीट बनाना भी एक अच्छी वैरायटी होती है कैप्सिकम की। कैप्सिकम समझ रहे हो, मतलब जो मोटा वाला मिर्च होता है, ठीक। उसके बाद फिर सिलेक्शन से वैरायटी, जो सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया है। सिलेक्शन एक ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है, ब्रीडिंग का मेथड होता है, जैसे सिलेक्शन होता है प्योर लाइन सिलेक्शन है या इन ब्रीडिंग है, और उसके बाद पेडिग्री सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, इन सब की मेथड से, ये सब ब्रीडिंग के मेथड हैं, इनकी मदद से हम नई नई वैरायटी डेवलप करते हैं। तो सिलेक्शन के थ्रू कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है, उसमें है अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, उसके बाद अर्का बसंत। तो ये 3 जो वैरायटी थी ये सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई थी। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड, कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसको
जो हाइब्रिड हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बनाए गए, मतलब जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, जो सरकारी संस्थाओं द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें से एक पूसा दीप्ति है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ग्रीन गोल्ड ये भी अच्छी एक वैरायटी है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की कौन सी वैरायटी है, एक तो है अर्ली बाउंटी, उसके बाद है भारत, ये भारत काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, फिर इंडिया है, हीरा है, लारियो है, उसके बाद है पूसा मेघदूत, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ये फर्स्ट F1 वैरायटी ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर से डेवलप की गई कैप्सिकम की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पूसा मेघदूत, तो ये आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी। उसके बाद चिली, यानी कि जो तीखी वाली मिर्च होती है, जिस मिर्च को हम सब्जी में डालते हैं, तीखा तीखा हो जाता है सब्जी, उसमें सिलेक्शन के थ्रू कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है, कल्याणपुरी येलो, ये CSE यूनिवर्सिटी कानपुर से डेवलप की गई है। उसके बाद सब्यूर, अंगार, अर्का लोहित भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद है भाग्यलक्ष्मी, सिंडलर, ये काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं जो सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई हैं। फिर अगला है हाइब्रिड वैरायटी, किसकी, चिली की, मतलब जो तीखी वाली मिर्च है उसकी हाइब्रिड वैरायटी, GS एक वैरायटी है, GS भास्कर, NP46A, पूसा ज्वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, पूसा ज्वाला बहुत अच्छी वैरायटी है, समझ गए। उसके बाद है पंजाब लाल, PANT C1, उसके बाद है आंध्रा ज्योति जो है वो चेरी टाइप का फ्रूट होता है, मतलब एक गोल वाली मिर्च होती है, गांव में लोग कहते हैं कि काफ़ी तीखी मिर्च होती है, तो वैसे तीखी होती भी है, एक गोल गोल मिर्च होती है, जैसे आपने चेरी का फ्रूट देखा होगा, चेरी का फ्रूट जैसा बिल्कुल होता है उसका, जैसे चेरी का फ्रूट गोल होता है वैसे गोल गोल ये भी होता है, इसीलिए चेरी टाइप फ्रूट बोलते हैं। कौन सा वैरायटी है, आंध्रा ज्योति वैरायटी है। उसके बाद फिर म्यूटेंट वैरायटी है MDU1, MDU1 क्या है, चिली की एक म्यूटेंट वैरायटी है, एक ही वैरायटी है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक ही वैरायटी है, वो भी चिली की है, यानी कि तीखी वाली मिर्च की है, और वो भी म्यूटेंट वैरायटी है, तो क्योंकि एक ही वैरायटी है और म्यूटेशन के थ्रू बनाई गई है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको याद रखना। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड्स, ऐसे हाइब्रिड जिनको प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है, उसमें से तेजस्विनी है, चैम्पियन है, उसके बाद गायत्री है, अग्नि है, दिल्ली हॉट है, स्काईलाइन है, ये सब वैरायटीज़ किसकी थी, प्राइवेट सेक्टर के। अब पब्लिक सेक्टर की हाइब्रिड CH1, ये CH1 जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली गई है, मेल स्टराइल लाइन से, मतलब एक ऐसी लाइन ग्रो की गई थी चिली की जिसमें जो मेल था वो स्टराइल था, मतलब वो जो मेल था वो काम का नहीं था, मतलब वो मेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, स्टराइल मेल था। अब जब आपको जेनेटिक्स पढ़ा होगा आपने, तो मेल स्टरिलिटी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो मैंने शुरू किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, फ्रूट वाला जब क्रॉप पढ़ा रहे थे, तो उसमें मेल स्टरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, गायनोडायसियोस, हर्माप्रोडाइट, ये सब मैंने खूब अच्छे से पढ़ा दिया है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेल स्टराइल क्या होता है, तो उसी मेल स्टराइल लाइन की यूज करके बनाया गया है इसको, कौन सा, CH1 वेराइटी, CH1, ये किसकी वैरायटी, चिली की वैरायटी, कहाँ से निकाली गई है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कहाँ पर है, लुधियाना में, समझ गए। अगला पॉइंट है फ्रूट रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी, जो K2 है वो फ्रूट रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। फ्रूट रॉटिंग एक काफ़ी खतरनाक डिजीज़ होती है जो चिली में लगता है, तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट में रॉटिंग इफेक्ट आने लगता है, फ्रूट आपका डैमेज होने लगता है, उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है कौन सी, K2। लीफ कर्ल के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी, लीफ कर्ल वाला ये सिम्टम, उसमें क्या होता है, लीफ कर्ल, एक सिम्टम, ये लीफ कर्ल का सिम्टम नहीं है, लीफ कर्ल बता रहे हैं। लीफ कर्ल में क्या होता है कि पत्तियां मुड़ जाती हैं, एबनॉर्मल साइज की हो जाती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो नॉर्मली नहीं ग्रो कर रही होती, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ हो जाती हैं, तो उसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन कौन सी है, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और PANT C1, ये सब वैरायटी कैसी हैं, लीफ कर्ल की के रेजिस्टेंट। 15 इरीगेशन आर रिक्वायर्ड इन कैप्सिकम, कैप्सिकम को ग्रो करने के लिए आपको उसके पूरे लाइफ में लगभग उसको 15 बार इरीगेशन दिया जाता है नॉर्मली, अगर पानी बरस रहा है, फ्रिक्वेंट अगर रेन हो जा रही है तो इरीगेशन नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो पानी देना पड़ता है। निथिलीन एस्टिक एसिड एंड ट्राई कॉन्टिनॉल, जिसको हम विपुल बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर लॉन्ग
ड्राई पीरियड है, बहुत दिन तक ऐसे सूखा सूखा मौसम रहेगा, ह्यूमिडिटी कम है, पानी नहीं बरस रहा है, तो इस कंडीशन में जो फ्रूट है और फ्लावर है ये दोनों गिरने लगते हैं। तो उसको रोकने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक हार्मोन होता है, इसको छिड़क के हम फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है लीफ कर्ल वायरस, ये जो है लीफ कर्ल वायरस और टोबैको मोजेक वायरस, बिल्ट एंड डाईबैक, ये सब काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये जो लीफ कर्ल वायरस से बीमारी होती है, कौन सी वायरस है ये, कौन सी बीमारी है, लीफ कर्ल, इसमें लीफ की पत्तियां एबनॉर्मल हो जाती है, जैसे अभी मैंने बताया ये लीफ कर्ल वाला सिम्टम है, समझ गए बात, ये लीफ कर्ल का सिम्टम, इसमें क्या होता था, पत्तियां ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, दोने जैसी हो जाती है, जैसे आपने दोना देखा होगा, दोने जैसे आकार की हो जाती हैं, देखो ध्यान से, ये देखो दोना जैसा हो गया, ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ऐसी एक वैरायटी है पंजाब लाल और पंजाब सुराख या मल्टी, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ध्यान से समझो, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, लीफ कर्ल, टोबैको मोजेक वायरस, विल्ट और डाईबैक, ये सब क्या हैं, डिजीज हैं। तो इन सब डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट जो वैरायटी है वो पंजाब लाल है और पंजाब सुराख है, ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, क्योंकि इसमें लीफ कर्ल के प्रति भी रेजिस्टेंट है, टोबैको मोजेक वायरस के प्रति भी, और विल्ट और डाईबैक इन सब के प्रति रेजिस्टेंट है, इसी वजह से इसको बोलते हैं मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट। कौन कौन सी वैरायटी है, पंजाब लाल एंड पंजाब सुराख। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, उत्कल रश्मि अर्का गौरव, उत्कल रश्मि और अर्का गौरव कौन सी वैरायटी है, उत्कल रश्मि एक वैरायटी है और अर्का गौरव एक वैरायटी है, ये दोनों जो वैरायटी हैं ये बैक्टीरियल विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है ज्वालामुखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है, यानी कि अगर आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है तो ज्वालामुखी वैरायटी बहुत अच्छी होती है, इसकी हाइट जो होती है काफ़ी कम होती है, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है बहुत कम एरिया में भी। अर्का लोहित, ये टॉलरेंट है पाउडरी मिल्डी के प्रति, पाउडरी मिल्डी जो डिजीज़ है फंगल डिजीज़, इसके प्रति अर्का लोहित जो वैरायटी है ये रेजिस्टेंट है। उसके बाद है भास्कर येलो, अनदर टाइप रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स एंड माइट्स, ये थ्रिप्स और माइट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, भास्कर वैरायटी है। उसके बाद है इंडिया शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ चिली इन द वर्ल्ड 4%, इंडिया टोटल जो पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है चिली, उसमें से 4% चिली कौन एक्सपोर्ट करता है, इंडिया करता है, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का डाटा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है रैन ड्यूरिंग दिसंबर टू नवंबर, दिसंबर से नवंबर के बीच में अगर पानी बरस रहा है तो इसकी वजह से पाउडरी मिल्डी डिजीज़ ज़्यादा लगने लगेगी, पाउडरी मिल्डी डिजीज़ लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसकी पाउडरी मिल्डी डिजीज़ लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। कब ज़्यादा हो जाएगी, जब दिसंबर और नवंबर के मंथ में पानी बरस जाए, यानी कि ठंडियों में जब पानी बरस जाता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर एट 5 AM, जो चिली और कैप्सिकम होता है इसके फ्लावर की जो ओपनिंग होती है सुबह 5 बजे होती है, इसके फ्लावर सुबह 5 बजे ओपनिंग होता है, उसके बाद पॉलिनेशन होता है और दोपहर तक फिर फ्लावर बंद हो जाता है। पूसा सदाबहार जो वैरायटी ऑफ कैप्सिकम फ्रूटोसेंस है, ये पेरेनियल इन नेचर का है, पेरेनियल नेचर का है, ठीक। पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है, कैप्सिकम फ्रूटोसेंस की वैरायटी है, और ये कैसा है, पेरेनियल इन नेचर है। अब जो पेरेनियल नेचर का एवरग्रीन होता है उसको हम सदाबहार बोलते हैं, मतलब हमेशा इसमें फल और फ्रूटिंग होती रहती है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं पेरेनियल नेचर की, मतलब 2-3-4 साल तक इसका एक बार प्लांटिंग कर देंगे तो कई साल तक ये फ्रूट देता रहता है। तो कौन सी वैरायटी है, पूसा सदाबहार। 3 to 10 days ऑफ सन ड्राइंग टू लोअर मॉइस्चर फ्रॉम 80 to 10%, अगर हम सन ड्राइंग करेंगे, चिली को हमने हार्वेस्ट किया उसको अगर हम धूप में सुखाएंगे तो 3 से लेकर 10 दिन के अंदर ही 80% जो मॉइस्चर है वो 10% हो जाएगा, मतलब 3 से लेकर 10 दिन के अंदर ही वो चिली जो है वो अच्छे से सूख जाती है। पंजाब जो लाल वैरायटी है वो कलर एक्सट्रैक्शन के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसको मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले भी बताया है। फिर HP जो है वो लीडिंग सप्लायर ऑफ कैप्सिकम इन ऑफ सीजन, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ऑफ सीजन में चिली
का सप्लायर काफ़ी अच्छा होता है। जैसे चीनी की जो डिमांड होती है ये थ्रू आउट द ईयर रहती है, हर पूरे साल भर रहती है, लेकिन हर साल साल भर तो मिलेगा नहीं, जैसे साउथ इंडिया में नहीं मिलता हमेशा, नॉर्थ इंडिया में भी हमेशा नहीं मिलता है, तो इसको साल भर कौन दिलवाता है। तो अगर ऑन सीजन रहेगा तो साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऑफ सीजन है मतलब जब पूरे भारत में कहीं नहीं ग्रो हो पा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो लीडिंग स्टेट है जहाँ से कैप्सिकम प्रोड्यूस होता है और पूरे भारत में फिर वो बिकता है, समझ गए। क्योंकि हरी मिर्च का जो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, वो पूरे साल लगभग बराबर जैसी होती है। ग्रीन टू ड्राई चिली रेशियो, जो ग्रीन चिली और ड्राई चिली है इनका रेशियो होता है 10:1, यानी कि अगर आप 10 किलो चिली ग्रीन चिली है उसको सुखाएंगे तो वो 1 किलो बच जाएगी, समझ गए। 10 किलो हरी मिर्च लाओ, उसको अच्छे से सुखाओ तो कितना बच जाएगा, 1 किलो बचेगा। तो यही होता है ग्रीन चिली एंड ड्राई चिली का रेशियो। फिर उसके बाद है चिली वेराइटी CH1, जो चिली की एक वेराइटी है CH1, ये डेवलप किया गया है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन से, इसको भी अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इसके बाद है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन विथ वाटर स्ट्रेस, अगर पानी की भी कमी हो और नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो इसकी वजह से ब्लॉसम इंड ऑफ फ्रूट ऑफ कैप्सिकम, कैप्सिकम का ब्लॉसम इंड, ब्लॉसम इंड में क्या होता है कि जो फ्रूट का सबसे इंड वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लो ये टिप है, ये प्लांट है, यहाँ पर टिप पे जुड़ा हुआ है और ये है आपका कैप्सिकम, तो ब्लॉसम इंड रॉट में यहाँ पर जो एकदम बिल्कुल टिप वाला पोर्शन है कैप्सिकम का, यहाँ पर रॉटिंग होने लगेगी। क्यों रॉटिंग होगी, अगर खेत में नाइट्रोजन हमने ज़्यादा डाल दिया है और पानी की भी कमी है, दो चीज़ें, नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया खेत में और खेत में पानी की कमी है, तो क्या होगा, ब्लॉसम इंड रॉट लग जाता है, समझ गए बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है वेराइटी विथ थिन पेरिकार्प, ऐसी वेराइटी जिसका पेरिकार्प थिन हो, यानी कि जिसका छिलका पतला हो, उसके बाद जिसके अंदर सीड कम हो, जिसका स्ट्रांग स्पाइक हो, वो ड्राइंग के लिए अच्छा होता है, उसको सुखाने के लिए अच्छा माना जाता है, समझ गए। उसके बाद आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये जो कैप्सिकम और चिली की वेराइटीज़ थी, इसका जो क्रॉप थी, इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हों कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सोहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर।